अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम अपनी वीडियो में करेंगे एक क्रीम का रिव्यू जो कि बेस्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं रिव्यू कर रही हूँ न्यूट्रोजिना की विजिबली क्लियर एंड प्रोटेक्ट ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का। ये नो डाउट बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन। अगर ऑयली स्किन वाले ये समझ रहे हैं कि हमें तो किसी क्रीम की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे तो फेस पे ऑलरेडी ऑयल होता ही है, तो ऐसी बात नहीं है। क्रीम की तो ज़रूरत हर एक को होती है, क्योंकि जब भी हम फेस वॉश करते हैं, क्लींस करते हैं, हमारे फेस का नेचुरल ऑयल कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है और हमें मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जिनकी स्किन ऑयली होती है उनके लिए स्पेशली जो है वो मॉइस्चराइज़र क्रिएट किया जाता है जो कि उनकी स्किन के मुताबिक होता है। मेरी जो स्किन थी 2019 तक तो बहुत ज़्यादा ड्राई थी, लेकिन पिछले साल इतने ज़्यादा ड्राई पैचेस मेरे स्किन पर नहीं आए। मैंने ये वाली क्रीम को यूज़ किया, और मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे एक्ने का बहुत इशू हो गया। मैंने सोचा कि मैं ये क्रीम ट्राई करती हूँ कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है, और जो ये क्लेम करती है क्या वाकई सच है, क्या ये स्पॉट्स ख़त्म करती है। तो मैंने इसको यूज़ किया, और स्टार्टिंग में मैं बताऊँ क्या करती थी, मैं सिर्फ स्पॉट्स पे ही इसको लगाती थी डॉट डॉट करके। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना स्पॉट्स तो फेड होना शुरू हो गए थे, लेकिन वो तो वैसे भी होना मेरे शुरू हो जाते होते थे अगर मैं कोई भी क्रीम ना लगाऊँ तो। ऐसा नहीं था कि मैंने एक रात पहले लगाया और अगले दिन स्पॉट गायब, ऐसा नहीं था। और ये भी नहीं था कि हफ्ते बाद बिल्कुल ख़त्म, हल्का हल्का निशान रह जाता था। तो बाकी ये कहता है आपके फर्दर ब्रेकआउट को रोकती है, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है और वो बहुत हेल्प करता है आपके एक्नी वाले इशू में, वो एक्नी को होने नहीं देता। तो अच्छा है अगर आप मॉइस्चराइज़र ऐसा लगा रहे हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, इवन तो आपको फेस वॉश भी वही यूज़ करना चाहिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड है अगर आपको एक्नी का बहुत इशू है। बाकी ऑयल स्किन के लिए बेस्ट है, ऑयल को ये कंट्रोल करता है, ये स्पॉट्स को तो क्लियर करने में इससे मदद की या नहीं की, इसने लिटिल बम्प्स जो आपकी स्किन पर पड़ जाती है ना उस पर इसने बहुत अच्छे से वर्क किया। बाकी न्यूट्रोजिना एक बहुत अच्छी कंपनी है। ये मैंने जो क्रीम मंगवाई थी मैंने वेगास से मंगवाई थी, तब सेल लगी हुई थी। ओरिजिनल प्राइस मुझे पता नहीं इसके क्या थे, लेकिन आई गेस 50% ऑफ मैंने 600 में ली थी। ये इस तरह कोई ना ऑफर लगी हुई थी तो मैंने इसको बाय किया था। बाकी जो है ये क्लियर डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने प्रिपेयर किया है, बेसिकली एक्नी के लिए ही है। तो हाँ वर्क करता है कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी एक्नी आपके अपने हाथ में होती है उसको ठीक करना। आप पानी ज़्यादा पियो, अच्छी चीज़ें खाओ, फ्रूट्स खाओ तो आपकी एक्नी सही हो जाती है। लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। अच्छा, ये ट्यूब में आपको 50 ml की प्रोडक्ट मिल रही है, और ओपन करने के बाद आपने इसको विद इन 6 months में ही यूज़ कर लेना है। वैसे पैक पे एक्सपायरी लिखी हुई है 2022 तक, लेकिन जब आप इसको ओपन कर लें उसके 6 months तक ही आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपने इसको यूज़ नहीं करना। और बाकी जो है ये मेड इन फ्रांस है, और बाकी अच्छी है क्रीम। मैं दोबारा तब लूँगी जब मुझे एक्नी का इशू होगा, अभी फ़िलहाल मुझे एक्नी का इशू नहीं है। ये मैंने थोड़ी सी अमाउंट आपको दिखा रही हूँ अपने हाथ पर लगा के, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है आपके हाथ में, ऑयली फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं आती हैं इसको लगाने के बाद। और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो भी माइल्ड सी है और मुझे अच्छी लगती है। बस आपने अपने डेलिकेट एरियाज पे इसको नहीं लगाना, आइज़ के अराउंड आपने नहीं लगाना, बहुत डेलिकेट एरिया होता है वहाँ पे। एक दफ़ा मैंने वहाँ लगा दिया था तो मुझे बड़ा भारी भारी महसूस हो रहा था वहाँ पर। बाकी ओवरऑल अच्छी है, लिटिल बम्स पर ये काम करती है। लिटिल बम्स समझ रहे हैं ना आप, जो माथे पर अक्सर हो जाते हैं उस पर, पिम्पल्स पर आप लगाएं इसको, और रात को सोते हुए लगाएं, अगले दिन आपका फेस आपको अच्छा लगेगा। और उम्मीद है आपका रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।